brought to you by Candid Dusting Powder and American Pistachios. Candid Dusting Powder, redness, irritation, sweat rash और fungal infection जैसे चार skin problems का एक expert solution. अब रहो unstoppable Candid Dusting Powder के साथ. नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप शो. दिन की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले थोड़ी बात आज के चर्चित चुनावी बयानों की. प्रधानमंत्री ने हरियाणा में 1962 के जंग का जिक्र कर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया. पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के ऑरा पर उनकी आभा पर कटाक्ष किया. कटाक्ष विपक्ष की तरफ से भी आया जब राहुल गांधी ने मन से प्रधानमंत्री की नकल उतारी. 1962 में पंडित नेहरू की जो ऑरा का गुब्बारा जो फूट गया, चाइना के हाथों में जो हमारी पिटाई हुई, वो उसके लिए गुनहगार हमारी देश की सेना को मानते हैं. और आज भी वो परिवार उसी मिजाज में हमारी सेना का अपमान करने के मौके ढूंढती रहती है. आपने नरेंद्र मोदी जी के इंटरव्यू देखे वो जो चमचों वाले इंटरव्यू है, देखे नहीं देखे? वहां पे नरेंद्र मोदी जी बैठते, चार चमचे आ जाते हैं, देखे आपने? उसमें नरेंद्र मोदी अलग अलग बयान देते हैं. उनसे पूछा, वो चमचे ने, एक चमचे ने पूछा, मोदी जी हिंदुस्तान में अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, आपकी इस पे क्या राय है? नरेंद्र मोदी जी ने 30 सेकंड सोचा, फिर कहते हैं, क्या मैं सबको गरीब कर दूं? अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर पर. लोकसभा चुनाव में हम छठे चरण के करीब पहुंच चुके हैं. एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, हम आप जानते ही हैं. लेकिन ये स्पष्टता अभी इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं आ पाई है. दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल से 22 मई को एक इंटरव्यू के दौरान भी ये सवाल किया गया. उन्होंने जवाब दिया, 4 जून को लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद यह तय किया जाएगा. आगे सवाल किया गया कि वो खुद भी प्रधानमंत्री पद के दावेदारी में है क्या. इस बात को केजरीवाल ने सिरे से खारिज कर दिया. अगला सवाल किया गया कि क्या राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं, और अगर हैं तो क्या केजरीवाल उनको प्रधानमंत्री मानकर काम करने में सहज होंगे. इस सवाल पर भी केजरीवाल ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, बस इतना ही कहा कि ये एक सैद्धांतिक सवाल है और अभी ऐसी कोई चर्चा गठबंधन में नहीं हुई है. इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कैंडिडेट, इस एक नाम पर अब तक कोई चर्चा और कई बयानबाजी हो चुकी है. कांग्रेस नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पास इस सवाल के जवाब में जो नाम है वो है राहुल गांधी का. 14 मई की शाम 4:36 पर भूपेश बघेल के एक्स अकाउंट पर एक 21 सेकंड का वीडियो पोस्ट हुआ था. वीडियो में भूपेश बघेल रायबरेली के बथुआ खास गांव में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे. लोगों से कह रहे थे कि आप सांसद नहीं प्रधानमंत्री को चुन रहे हैं. आप लोग सुन लीजिए. सदस्य नहीं चुन रहे हैं और इंदिरा जी के बाद अब अवसर आया है कि आप इस लोकसभा से आप सांसद नहीं बल्कि प्रधानमंत्री चुने जा रहे हैं, होने जा रहा है, जिसके आप सब गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे और उसमें आप भागीदार बनेंगे. इन अलग अलग बयानों के क्या मायने हैं? कांग्रेस, सपा और आम आदमी पार्टी की इंडिया गठबंधन पीएम कैंडिडेट को लेकर क्या सोच है और क्या अंदर खाने चल रहा है, बता रहे हैं जानकार. प्रधानमंत्री कौन होगा नहीं होगा, इस पे अभी बहरहाल फोकस नहीं है क्योंकि आखिरी के 2 चरण रह गए. हाँ, गठबंधन किन में और संतुलन बनाना है, किससे किसके साथ और समन्वय या बातचीत साधनी है, उसमें कई दलों की कतार हो सकती है, लिस्ट हो सकती है. लेकिन अभी बहरहाल बड़ी मुश्किल से बात बनी है. तो प्रधानमंत्री कौन होगा, इस सवाल का जवाब ना अखिलेश यादव देना चाहते थे लखनऊ में, जब हमने उनसे पूछा था कि रायबरेली से नारा चल पड़ा है, प्रधानमंत्री आप भेजेंगे रायबरेली से, कोई प्रत्याशी को नहीं जिताएंगे राहुल गांधी के लिए, तो आपका क्या कहना है? तो वही बात उन्होंने, मतलब बड़े चतुरता से उस सवाल को टालते हुए कहा कि हम अपनी स्ट्रैटेजी आपको क्यों बताएं. तो
हमने कहा सवाल राहुल गांधी पर पूछ रहे हैं हम, राहुल गांधी लड़ रहे हैं ना रायबरेली से, तो कहते हैं हाँ फिर भी इस सवाल पे भी हम नहीं बताएंगे आपको अपनी स्ट्रैटेजी, ये हमारी रणनीति का हिस्सा। कयासबाजी काफी चल रही है। ये सही बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक अच्छे चेहरे हो सकते हैं अगर उनको यूनिटी दिखानी हो। अच्छा चेहरा मैं इसलिए कह रही हूँ कि जो हर जने के लिए एक्सेप्टेबल और वर्कएबल हो, यहाँ तो बेहतर कौन चेहरा है वो इससे मापा जाएगा कि क्या सबको एक्सेप्टेबल होगा। और जिस तरह से खड़गे के नाम पर पहले ही ममता बनर्जी अरविंद केजरीवाल हामी भर चुके हैं, मतलब एक जब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी जिसकी वजह से नीतीश पूरी तरह से भिदक गए थे, तो यानी कि उनके चेहरे पर काफी कम लोगों को आपत्ति होगी। और दूसरा जैसे जो भी कद्दावर नेता है शरद पवार का नाम चल सकता है, लेकिन सवाल वही है कि किसकी सबसे ज्यादा संख्या है, उसकी दावेदारी सबसे ज्यादा मजबूत हो जाती है। और इसीलिए मैं ये आपको कह रही हूँ कि नाम चल सकते हैं लेकिन ठोस तौर पे कोई बैठक इस पे हुई हो या आपस में दो नेता मिले हो जैसे अखिलेश राहुल मिले तो ये चर्चा होने लगी हो, ऐसा नहीं है। इन सब बातों के बीच एक एंगल ममता बनर्जी का भी है। हम जानते हैं कि ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में सभी 42 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। वहां तृणमूल कांग्रेस ने खुद को गठबंधन से बाहर रखा, लेकिन बीती 17 मई को ममता ने चौंकाने वाला बयान दिया। कहा कि अगर केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो वो इस सरकार को बाहर से समर्थन देंगी। 24 घंटे बाद ही ममता का एक और बयान आया, कहा कि वो गठबंधन में शामिल है, इससे बाहर नहीं। क्या पहले इंडिया गठबंधन से दूर जाने और फिर पास आने के पीछे ममता बनर्जी की भी कोई टॉप जॉब की महत्वाकांक्षा है, या फिर ये पश्चिम बंगाल में एक त्रिशंकु लड़ाई बनाए रखने के तोल मोल भर हैं? बता रहे हैं जानकार। ममता बनर्जी को लेके कुछ भी हो सकता है क्योंकि जब बातचीत होगी ऐसा नहीं है कि वो रेस से बाहर है या इंडिया गठबंधन से बाहर है। ये तृणमूल कांग्रेस की रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है कि वो इंडिया गठबंधन से बाहर होके उनने लड़ा और फिर उसके बाद ममता बनर्जी का ये बयान आना कि मैं बाहर से समर्थन लूंगी अपने आप में कुछ संकेत करता है। हालांकि देखिए अगर ममता बनर्जी की अच्छी सीटें आती हैं उनके भी कई प्रस्तावक हो सकते हैं इंडिया गठबंधन में। सोनिया गांधी से उनके खुद अच्छे रिश्ते हैं, अरविंद केजरीवाल से लेके स्टालिन उद्धव ठाकरे, जब वो पटना गई थी साड़ी लेके आई थी राबड़ी देवी को, तो कुछ भी राजनीतिक समीकरण बैठ सकते हैं। ये सही बात है और इसमें ममता बनर्जी के नाम पर हामी भरने में देखना होगा कि एक तो आंकड़े और कितने उनके समर्थक होते हैं। और हालांकि एक दावेदारी उनकी और एक बात मजबूत करती है कि एक तो फायर ब्रांड नेता है, अपनी पार्टी की मुखिया है और महिला है, तो ये भी संभव है कि उनके नाम पर भी कई नेता जो है उनका नाम ले। इन सभी दावेदारों में एक नाम और जोड़ लीजिए, एमके स्टालिन का। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इस राज्य से 39 लोकसभा सीटें आती हैं। स्टालिन की नेशनल पॉलिटिक्स में उतरने की महत्वाकांक्षा 2022 से रही है, जब उन्होंने दिल्ली में दफ्तर खोल लिया था और हिंदी पट्टी में पार्टी की पहुंच बनाने के लिए प्रयास शुरू किए थे। हालांकि ये प्रयास ज़्यादा बलवती हो नहीं सके। क्या 39 सीटों में से एक बड़ा चंक हासिल कर लेने पर वो भी दावेदारी ठोक सकते हैं? अब इस पर जानकारों की राय। कि लगातार कांग्रेस और डीएमके ये कह रही है कि काफी अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन रहेगा, तो जाहिर तौर पे अगर आप देखें तो एमके स्टालिन के कई समर्थक हैं इंडिया गठबंधन में, हेमंत सोरेन से लेके अरविंद केजरीवाल के बेहतरीन संबंध हैं एमके स्टालिन से, राहुल गांधी भी उनको बड़े भाई का दर्जा देते हैं, तो और दक्षिण की प्रधानमंत्री पहले भी हो चुके हैं दक्षिण से प्रधानमंत्री, तो ये और खास तौर से अगर ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की दक्षिण से आती हैं तो ये दावेदारी और मजबूत हो सकती है। और यही देखना होगा कि कांग्रेस को कितनी सीटें आती हैं क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे भी दक्षिण के नेता हैं, तो एमके स्टालिन हालांकि आपको याद हो तो एमके स्टालिन ने एक रैली में राहुल गांधी के प्रधानमंत्री होने पर की बात कही थी, तो कि बेहतरीन प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे, तो यहाँ पहले आप की बयानबाजी चल रही है, लेकिन मुझे लगता है कि जब ये फैसले की घड़ी आएगी तो हर एक दल अपनी दावेदारी
सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता अलग अलग मंचों से लगातार गठबंधन पर यह कहकर तंज कस रहे हैं कि इनका तो चेहरा ही साफ नहीं है। देश की जनता चाहती है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने देश को विकास की गति में, डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस में आगे बढ़ाया, ऐसे ही आगे बढ़ाते रहे। और वो आगे नहीं बढ़ा सकते क्योंकि उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ही तय नहीं हुए हैं। ममता दीदी राहुल गांधी को पसंद नहीं कर रही है और राहुल गांधी और अखिलेश यादव, इनमें कोई समझौता नहीं हो रहा है कि कौन प्रधानमंत्री होगा। अगर सत्ता में आने का सवाल ही नहीं है, लेकिन आए तो कौन बनेगा। इसलिए देश को अस्थिरता के दौर में नहीं ले जाना है। देश में एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए जिससे देश विकसित भारत बन सके, भारत का मान और सम्मान देश और दुनिया में हो सके। इसलिए देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को ही प्रधानमंत्री देखना चाहती है। प्रधानमंत्री ने बीते दिनों रैलियों में यह दावा भी किया कि इंडिया गठबंधन सत्ता में आया तो वो एक साल एक पीएम वाला फॉर्मूला भी अपना सकते हैं। इन लोगों ने सोचा है कि 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब देखिए मुंगेरी लाल सपने कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भानु बहन का कुड़बा इकट्ठा होने वाला नहीं है जी। ये भानुमती का कुड़बा इकट्ठा होने की संभावना नहीं है। इसलिए नई फॉर्मूला लाए कि हर साल एक प्रधानमंत्री, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री। अब मुझे बताइए भाई, 5 साल में 5 प्रधानमंत्री होंगे तो इस देश का भला होगा क्या? भला होगा क्या? कमोबेश स्पष्ट है कि इंडिया गठबंधन इस सवाल पर नतीजे आने तक पत्ते नहीं खोलने वाला। कांग्रेस अभी नतीजे देखकर तय करेंगे वाले जोन में ही है। केजरीवाल ने खुद को रेस से अलग कर लिया। ममता बनर्जी संभावनाओं को समय समय पर हवा पानी दिए दे रही हैं और एम के स्टालिन जैसे नेता भी नेशनल पॉलिटिक्स में संभावनाएं तलाशते दिख रहे हैं। अब बढ़ते हैं दिन की अगली खबर पर। शेयर मार्केट और सोना चांदी बीते कुछ दिनों से लगातार ऊंचाइयों को छू रहे हैं। सेंसेक्स 23 मई को ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया और जाकर रुका 75,499 पर। इसके पहले सेंसेक्स का हाई पॉइंट 75,124 का था जो उसने 9 अप्रैल को टच किया था। वहीं निफ्टी ने भी 22,993 का नया लेवल छू लिया। इससे पहले निफ्टी का हाई 22,794 का था। सेंसेक्स और निफ्टी थोड़ा नीचे भी आए लेकिन इतना नीचे नहीं कि इसे बाजार का टूटना कह सकें। यही हाल सोना चांदी का भी है। दोनों में रिकॉर्ड तेजी देखी जा रही है। 22 मई को तो चांदी 93,000 से ऊपर पहुंच गई। चांदी का यह ऑल टाइम हाई रहा। सोना भी 73,000 के ऊपर है। ये भाव हम जो आपको बता रहे हैं वो 1 किलो चांदी और 1 तोला सोने के हैं। 23 मई को भी इन कीमतों में कुछ ज़्यादा गिरावट नहीं आ पाई। क्यों नंबर्स पर बात, अब कारणों की कर लेते हैं। बीते दिनों आई इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के पहले कुछ चरणों में कम मतदान के चलते बाजार में कुछ घबराहट थी और इसी के चलते मई की शुरुआत तक बाजार में ज़्यादा उतार चढ़ाव दिख रहा था। लेकिन बाद के चरणों में मतदान प्रतिशत अपेक्षाकृत बेहतर हुआ। प्रधानमंत्री का बयान आया कि 4 जून को भारतीय जनता पार्टी और शेयर मार्केट दोनों नई ऊंचाइयां छूएंगे। अमित शाह ने भी कहा कि शेयर मार्केट के निवेशकों को 4 जून से पहले खरीदारी कर लेनी चाहिए क्योंकि इसके बाद शेयर बाजार में उछाल आ जाएगा। इन फैक्टर्स और फिर बयानों के चलते शेयर बाजार में कुछ विश्वास लौटता नजर आ रहा है और 23 मई आते आते सेंसेक्स और निफ्टी फिर ऊंचाइयां छूने लगे। अब समझते हैं कि शेयर मार्केट को लेकर दुनिया भर की प्रमुख एजेंसियां और एक्सपर्ट्स की राय क्या है और चुनाव के नतीजों से शेयर मार्केट पर क्या असर पड़ सकता है। दुनिया के कई देशों में निवेश और वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस करने वाले फिलिप कैपिटल ने शेयर मार्केट और इसके इलेक्शन कनेक्शन को लेकर एक नोट जारी किया है। कहा है कि अगर एनडीए वाकई 400 से ज़्यादा सीटें जीत लेता है तो शेयर मार्केट में यकीनन ज़ोरदार तेज़ी आ जाएगी। अगर एनडीए 300 से 330 सीटें लाता है तो गिरावट हो सकती है और तब खरीदार का मौका होगा। फिलिप कैपिटल का हेड ऑफिस सिंगापुर में है। अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, हांगकांग में भी इसके ऑफिस हैं। दुनिया के जाने माने इन्वेस्टमेंट और ग्लोबल फाइनेंस ग्रुप नोमुरा इंडिया ने कुछ दिनों पहले एक रिसर्च रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में नोमुरा के एनालिस्ट सोनल वर्मा और औरदीप नंदी ने कहा कि अगर सरकार रिपीट होती है तो उम्मीद होगी कि टैक्स व्यवस्था को सरल बना दिया जाए। क्या शेयर बाजार के इस रुख के पीछे चुनाव ही इकलौती वजह है या कुछ और वजहें भी है, बता रहे हैं जानकार। अभी शेयर बाजार के जो रुख है उसमें चुनावी परिणामों का जो इफेक्ट है वो काफी हद तक पहले से ही उसको समेट लिया गया है। तो अभी शेयर बाजारों में देखिए, शेयर बाजार में ऐसा होता है कि शेयर बाजार में हर रोज के जो उतर चढ़ाव है उससे कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है, लेकिन ओवरऑल जो डायरेक्शन आप देख रहे हैं कि शेयर में तेजी जो बना हुआ है
ये इसलिए बना हुआ है कि शेयर की बाजार का मोरलेस यही मानना है कि भारत में अभी जो सरकार आएंगी वो सरकार का रिफॉर्म्स प्रो बिजनेस को इकोनॉमी को आगे ले जाने के लिए कई सारे चीजों के लिए प्रस्तुत हैं, प्रस्तुत हो रहे हैं, इसलिए शेयर बाजार में वो उत्साह है। इसलिए ये सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के ही नहीं, ज्यादातर जो फंड मैनेजर्स जो एनालिस्ट और सिर्फ भारत में नहीं भारत के बाहर भी उनका भी यही मानना है, और इसीलिए अब शेयर बाजारों में ये जो आगे की ये जो उतर चढ़ाव जो देरी का है वो जिसका मैंने जिक्र किया कि उसका कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन वो आगे चल रहा है। आपने शेयर मार्केट के उतार चढ़ाव और उसका इलेक्शन कनेक्शन समझ लिया। अब बात सोने चांदी की, इसके भाव इतनी ऊंचाई क्यों छू रहे हैं, अब आप ये जानकारों से समझिए। जब भी किसी भी मार्केट किसी भी ये शेयर मार्केट में सोना या चांदी या जैसे तेल इन सब चीजों को हम कहते हैं डिफेंसिव स्टॉक्स, ये कमोडिटीज इसलिए उनका उनमें तेजी आती है जब थोड़ा सा शॉर्ट टर्म परिणामों में अस्थिरता दिखाई देती है। तो अभी जैसे इलेक्शन में हो सकता है कि लोगों का कहना हो कि भाई ये वाला ग्रुप सामने आएगा ये वो वाला आएगा, लेकिन मोटामोटी बात यह है कि जब तक जून 4 के परिणाम नहीं आते हैं तो लोगों में जो इन्वेस्टमेंट्स हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो बड़े पैमाने में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए चुनौती रह जाता है कि हम क्या सिद्धांत लेकर चले। तो इसीलिए इन समयों में ये काफी देखा जाता है इस तरह बाजार वगैरह में पूरा ये कमोडिटीज की दाम में उछाल आती है, और अभी अभी उसी का ही वो सिलसिला बना हुआ है। ये चीज बिल्कुल ही 4 जून के बाद आप देखेंगे कि जैसे मार्केट मॉडलर्स एक निश्चयता पे पहुंच जाएगा तो इन दामों में प्लेटोइंग हो जाएगा। अब बारी है सुर्खियों की, जिनमें से पहली पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम से आई है। ये वही स्थान है जहां से ममता बनर्जी ने शुभेंदु अधिकारी के साथ मिलकर 3.5 दशक से पश्चिम बंगाल के सत्ता पर काबिज वाम मोर्चे और उसके लाल झंडे का सियासी मरसिया पढ़ दिया था। उसी नंदीग्राम से कैसी तस्वीरें आ रही हैं आप देख लीजिए। अब नंदीग्राम में हुए इस बवाल की वजह समझ लीजिए। इंडिया टुडे टीवी के विशेष संवाददाता ऋतिक मंडल की रिपोर्ट कहती है कि 22 मई की देर रात नंदीग्राम में बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं की झड़प हो गई, जिसमें बीजेपी के एक महिला कार्यकर्ता रथी बाला आड़ी की मृत्यु हो गई और बीजेपी के कई कार्यकर्ता भी घायल हुए। इस घटना के विरोध में आज यानी कि 23 मई को भाजपा कार्यकर्ता नंदीग्राम की सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सड़कें जाम कर और टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान हालात यहां तक पहुंच गए कि इलाके में सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती तक करनी पड़ी। आगे बढ़ने से पहले नंदीग्राम से जुड़ा एक और तथ्य आपको याद दिलाते चलें। साल 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता के पुराने सहयोगी शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के टिकट पर नंदीग्राम से चुनाव लड़ा। उनका मुकाबला सीएम ममता बैनर्जी से था। जीत शुभेंदु अधिकारी की हुई। उन्हीं शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में हुई हिंसा के लिए ममता बैनर्जी के भतीजे को जिम्मेदार ठहराया है। शुभेंदु ने बिना कोई नाम लिए कहा कि नंदीग्राम में हुई हिंसा के लिए सीधे तौर पर ममता बैनर्जी के भतीजे जिम्मेदार हैं। उन्होंने कल यहां रैली की और हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया। यह हिंसा उनके भतीजे के उकसावे का परिणाम है। 7 आदमी को हॉस्पिटल, मैंने अर्ली मॉर्निंग केम हॉस्पिटल हॉस्पिटल लाया गया था। अभी 3 एडमिशन है, एक का हालत अच्छा नहीं है, एक तो सुबह सुबह हम लोग रेफर कर दिया संजय आड़ी का, उसका हालत नाजुक है। वो जो हमारी डेथ पर्सन है वोमेन, उनका लड़का है, बीजेपी का यंग कार्यकर्ता है। अभी भी यहाँ जो है उसमें एक का आपका हालत अच्छा नहीं है, उसका आँख को खत्म कर दिया है। पुलिस बीजेपी वर्कर और जनता जो गुस्सा में आकर रोड ब्लॉकेट किया उसका ऊपर लाठीचार्ज किया, लेकिन जो मर्डर आ रहा है उसका अरेस्ट नहीं। बीजेपी के इन आरोपों पर टीएमसी का कहना है कि यह हिंसा बीजेपी की आपसी लड़ाई का नतीजा है। देखिए, सिर्फ नंदीग्राम या इस मिदनापुर में नहीं, पूरा देश में बीजेपी का इन फाइटिंग, दे आर फाइटिंग बिटवीन ओल्ड एंड न्यू बीजेपी, सबको पता है। नंदीग्राम में इसका ही नतीजा निकला, एक औरत को मार दिया गया और तृणमूल को मेलाइन करने के लिए तृणमूल के ऊपर ब्लेम दिया जा रहा है। जो पार्टी अपना काम के लिए पूरा स्टेट का समर्थन मिलने के बारे में 100% कॉन्फिडेंट है,
आने वाला चुनाव में जीतने का बारे में 100% कॉन्फिडेंट है, वो हुलिगनिज्म के पथ में नहीं चलता है। भारतीय जनता पार्टी, जिसको मालूम है आने वाला चुनाव में 25 तारीख सिर्फ नंदीग्राम या तमलुक नहीं पूरा बंगाल में हारने वाला है, वो ऐसे करके अटेंशन को डेविएट करके पॉलिटिकल फायदा लेने का कोशिश कर रहा है। इस मामले में अब तक का लेटेस्ट अपडेट यह है कि बीजेपी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखकर मिदनापुर के एसपी का ट्रांसफर करने की मांग की है। दूसरी ओर तृणमूल कांग्रेस ने पूरी मामले की जांच कर रिपोर्ट देने के लिए 2 सदस्यों की टीम नंदीग्राम में भेज दी है। अगली सुर्खी खेल जगत से है, जहां से देश के लिए खुशखबरी आई है। हमारी एक वेट लिफ्टर ने स्वर्ण पदक जीत लिया है, इस बारे में हम जरूर बताएंगे, लेकिन पहले इस खेल के प्रकार को आप समझ लीजिए ताकि आगे की बात समझने में आपको कुछ सहजता रहे। भारतोलन यानी वेट लिफ्टिंग के बारे में आपने सुना है। ये प्रतियोगिता 2 चरण में होती है, पहली स्नैच और दूसरी क्लीन एंड जर्क, दोनों बारबेल से किए जाते हैं। पहले स्नैच को समझिए। वेट लिफ्टर रीढ़ को सीधे रखते हुए झुकते हैं, बारबेल पर ग्रिप बनाते हैं और फिर इसे एक ही फ्लो में, या और आसान शब्दों में कहें तो एक ही झटके में उठाकर सिर के ऊपर तक ले जाते हैं। कुछ सेकंड तक हैंग करते हैं यानी इस पोजीशन में रहते हैं, फिर वेट्स को नीचे रख देते हैं। अब क्लीन एंड जर्क को समझिए। वेट लिफ्टर इसमें बारबेल को उठाकर पहले छाती के कुछ ऊपर तक लेकिन कंधे के नीचे तक लाते हैं, यहाँ एकाध सेकंड हैंग ऑन करके तब बारबेल को सिर के ऊपर ले जाते हैं। यानी शुरुआत और अंतिम पोजीशन तो दोनों में सेम होती है, लेकिन वेट और बारबेल को उठाने के तरीके अलग अलग हैं। प्रतियोगिता में वेट लिफ्टर को 3-3 बार स्नैच और क्लीन एंड जर्क करके दिखाना पड़ता है। जो ज़्यादा बार सफल होता है वही जीतता है। आपने खेल को जान लिया, अब खबर जानिए। पेरू की राजधानी लिमा में IWF यानी इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन की ओर से वर्ल्ड यूथ चैंपियनशिप 2024 का आयोजन हो रहा है। यहां भारत की वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता भोई ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। 15 साल की प्रीति स्मिता ने 40 किलोग्राम महिला भार वर्ग में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, गोल्ड मेडल जीत लिया। उन्होंने स्नैच और क्लीन एंड जर्क में कुल 133 किलो का भार उठाया। प्रीति स्मिता ओडिशा की रहने वाली हैं। एक और अच्छी खबर यह भी है कि प्रीति स्मिता भोई के बाद भारत की जोशना सबर दूसरे नंबर पर रही। जोशना को सिल्वर मेडल मिला, यानी गोल्ड और सिल्वर दोनों भारत के। अपने प्रदर्शन से इन दोनों ने न सिर्फ रिकॉर्ड तोड़े हैं बल्कि शारीरिक बनावट और ताकत से संबंधित तमाम रूढ़ियों को भी तोड़ा है। सोचिए, 40 किलो की कैटेगरी थी और 125 किलो के ऊपर उठाया। उन्हें बहुत बहुत बधाई। आज का दी ललन टॉप शो यहीं तक था। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुक्रिया। शुभरात्रि। We'll be right back.